साल होता है सन 2019, जहां पूरे शिकागो शहर में मार्शल लॉ लग चुका है क्योंकि एलियंस ने हमारी दुनिया पर हमला कर दिया है। और इसी हमले के बीच एक परिवार को दिखाया जाता है जो बैरिकेड को क्रॉस करके भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तभी उनके सामने एलियंस आ जाते हैं जो माता पिता को वेपराइज कर देते हैं, लेकिन उनके बच्चे गैब्रियल और रेव को वो कुछ भी नहीं करते। कहानी यहाँ से आगे जाती है और साल आता है सन 2027 का, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि इंसानों और एलियंस के बीच में जो जंग हो रही थी, उस जंग को एलियंस ने जीत लिया, जिसके बाद इंसानों को उनकी गुलामी करनी पड़ी। यानी कि अब जो एलियंस इंसानों से कहते उन्हें वही करना पड़ता है। वो इंसानों से अंडरग्राउंड जगह बनवाते हैं क्योंकि वो अंडरग्राउंड ही जिंदा रह सकते हैं। उस अंडरग्राउंड जगह पर जाने की कुछ ही लोगों को परमिशन है जो गवर्नमेंट के हाई ऑफिसर्स है। और अब एलियंस ने दुनिया की हर एक इंसान की गर्दन पर एक चिप लगा रखी है, जिससे एलियंस को पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है कि कौन सा इंसान कहाँ है, वो क्या कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमें रेव को दिखाया जाता है, जिसके माता पिता को सन 2019 में एलियंस ने वेपराइज कर दिया था और उसके भाई और उसे छोड़ दिया था। रेव एलियंस से नफरत करता है, आज भी वो उनके खिलाफ जंग लड़ रहा है, लेकिन जब वो एक मिशन को अंजाम देना चाह रहा था तो उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। रेव की मृत्यु के बाद उसका भाई, जो कि डेटा एंट्री का काम करता है, वो भी लेक सिटी जाने की तैयारी करता है क्योंकि उसे पता है कि अब एलियंस उसके पीछे आएंगे। वो अपनी जान बचाकर इस जगह से निकलना चाहता है। गैब्रियल का भाई रेव जीस ग्रुप का हिस्सा था, उसे फिनिक्स ग्रुप कहा जाता है, जो कि एलियंस को खत्म करना चाहते हैं। आज भी वो एलियंस के खिलाफ जंग लड़ रहे होते हैं और एलियंस किसी भी तरह से इस ग्रुप को ढूंढकर पूरी तरह से नेस्तोनाबूद करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने एक आदमी जिसका नाम विलियम है, जो कि एक डिटेक्टिव है जो एलियंस के लिए काम करता है, उसे इस ग्रुप को ढूंढने का काम दिया होता है। और अब वो डिटेक्टिव सीधा गैब्रियल के पास जाता है, उसे बहुत सारे सवाल पूछता है। वो गैब्रियल को पहले से जानता है क्योंकि जब हमारी दुनिया में ये एलियंस नहीं आए थे, तब वो गैब्रियल के पिता का पार्टनर हुआ करता था। विलियम गैब्रियल को समझाने की कोशिश करते हैं कि फिनिक्स ग्रुप को पूरी तरह से न्यूट्रल हो जाना चाहिए, उन्हें एलियंस के खिलाफ जंग नहीं लड़ना चाहिए। वह उसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहते हैं, लेकिन गैब्रियल विलियम को कुछ भी नहीं बताता कि डिटेक्टिव विलियम गैब्रियल को अपने साथ काम करने का ऑफर भी देता है, लेकिन गैब्रियल मना कर देता है और वहां से चला जाता है। विलियम ने गैब्रियल के ऊपर जीपीएस से नजर रखी होती है कि वो कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है। गैब्रियल इसके बाद अपनी को वर्कर के पास जाता है, जो उसे कागज पर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लिख कर देती है और कहती है कि फिनिक्स ग्रुप के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तुम ये इन्फॉर्मेशन उन्हें बेच सकते हो। गैब्रियल ऐसा करना तो नहीं चाहता, लेकिन वो अपना आखिरी काम समझकर इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है और वो फिनिक्स ग्रुप के एक मेंबर से मिलता है, जो मेंबर उसे एक ऐसी जगह ले जाता है जहां पर कोई भी इंसान नहीं होता। इस जगह को पूरी तरह से छोड़ा गया है और वो मेंबर जब उसे अंदर ले जाता है तो देखता है कि उसका बड़ा भाई रेव, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, वो अब भी जिंदा है। दरअसल रेव, जो कि फिनिक्स ग्रुप का लीडर है, उसने एलियंस के खिलाफ जो आखिरी अपना मिशन किया था वो पूरी तरह से फेल हो गया था, जिसके बाद उसने अपने आप को मरा हुआ घोषित कर दिया ताकि एलियंस उसे ना ढूंढे। साथ ही उसने अपनी बॉडी से अपने साथियों की मदद से जीपीएस को भी हटवा दिया था, इसीलिए अब किसी को नहीं पता कि वो कहां पर है। रेव अपने भाई गैब्रियल को कहता है कि हम बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं, इसलिए तुम्हें इस शहर को छोड़कर जाना होगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारे पीछे एलियन आए। गैब्रियल कहता है कि वो इस शहर को छोड़कर चला जाएगा, लेकिन गलती से वो एक अंडरग्राउंड जगह में फंस जाता है। वहीं रेव को दिखाया जाता है जो अपने साथियों के साथ एक बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा होता है, क्योंकि बहुत जल्दी गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, साथ ही इस शहर के मेयर, जो सब के सब एलियंस का हुकुम मानते हैं, उनके लिए काम करते हैं, साथ ही बहुत सारे एलियन जो कि बहुत बड़े बड़े औहदों पर है, उन सब की एक रैली निकलने वाली है। रेव और उसके ग्रुप का ये प्लान होता है कि वो इन सबको एक साथ खत्म कर देंगे, पर उस रैली तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहां पर हर कोई इनवाइटेड नहीं है।
बहुत ही कम लोग उसमें इनवाइटेड है और गैब्रियल ने अपने भाई रेव को जो कागज दिया होता है उस पर एक कोड होता है। इस कोड की मदद से ये एलियंस के सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं और एक बार अगर इन्होंने सिस्टम में एक्सेस कर लिया तो इसके बाद इन्हें पता होगा कि मेयर और उसके साथ के ऑफिसर्स कहाँ पर है, एलियंस की पोजीशन क्या है, साथ ही इनके पास एलियंस टेक्नोलॉजी का एक बम भी होता है जिसे कहीं पर भी ले जाने पर वो डिटेक्ट नहीं होगा और जैसे ही उस बम को एक्टिवेट किया जाएगा वो इनविजिबल हो जाएगा। इसीलिए इसी बम से सबको खत्म करना चाहते हैं। यहाँ फिनिक्स ग्रुप के जितने भी मेंबर्स होते हैं इनकी बॉडी पर ट्रैकर नहीं होते, जिसका मतलब ये है कि एलियंस इन्हें ट्रैक नहीं कर सकते, उनके पास इनकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इसीलिए ऐसे लोगों को ये टारगेट करते हैं जिन्हें उन रैली में उस पार्टी में इनवाइट किया गया है और उन्हें मारकर उनकी बॉडी के ट्रैकर निकाल कर ये अपनी बॉडी में लगा लेते हैं, जिसका मतलब यह है कि ये उस रैली में शामिल हो सकते हैं और अब उन ट्रैकर्स की मदद से उस रैली में शामिल हो जाते हैं। इनके पास जो बॉम्ब होता है वो एलियंस वो टेक्नोलॉजी का होता है, इसीलिए उसे कोई भी डिटेक्ट नहीं कर पाता और उस जगह जाने के बाद ये एक बहुत बड़ा धमाका करते हैं जिसमें बहुत सारे एलियंस के साथ बहुत सारे वो लोग भी मारे जाते हैं जो एलियंस के लिए वफादार थे, जो उनके लिए काम किया करते थे। और अब फिनिक्स ग्रुप के जितने भी लोग होते हैं वो भागना शुरू कर देते हैं, एलियंस उन्हें ट्रैक नहीं कर पा रहे होते, इसीलिए वो और भी एलियंस को यहाँ पर बुलाते हैं। वही हमें विलियम को दिखाया जाता है जो डिटेक्टिव है, उसे किसी तरह से फिनिक्स ग्रुप का जो प्लान होता है उसके बारे में पता चल जाता है, इसीलिए अब वो उनकी तरफ बढ़ चलता है। वही हमें दिखाया जाता है जहां पर रेव और उसके साथी होते हैं, उन्हें एलियंस ने और सिक्योरिटी ने घेर लिया है, उन पर गोलाबारी कर रहे होते हैं। इसमें रेव के दो साथी मारे जाते हैं, रेव को भी पकड़ने वाले होते हैं, लेकिन रेव एलियंस के हाथों नहीं लगना चाहता है, इसीलिए वो अपनी जान लेने वाला होता है। तभी वहाँ पर डिटेक्टिव विलियम आ जाते हैं जो उसे पकड़ लेते हैं। साथ ही हमें गैब्रियल को दिखाया जाता है जो फंसा हुआ था, अब वहाँ से निकलकर भागने की कोशिश कर रहा होता है। वह एक बोट से यहाँ से भागने वाला था, इस बोट को विलियम ने पहले नष्ट कर दिया था और अब गैब्रियल को भी पकड़ लिया जाता है। विलियम के सामने अब गैब्रियल उसका भाई रेव है, वो गैब्रियल से कहता है कि अगर तुम फिनिक्स ग्रुप के मास्टरमाइंड को पकड़ने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा, नहीं तो तुम्हारे भाई को कोई नहीं बचा सकता। और अब गैब्रियल उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है, वो डिटेक्टिव विलियम के लिए उस आदमी को ढूंढेगा जो कि फिनिक्स ग्रुप का मास्टरमाइंड है, जिसे नंबर वन कहा जाता है। और अब वो फिनिक्स ग्रुप के मेंबर्स के पास जाता है, उन्हें बताता है कि मेरे पास बहुत खास इन्फॉर्मेशन है जो मैं नंबर वन को ही दे सकता हूँ। यह सुनने के बाद वो गैब्रियल को नंबर वन के पास ले जाते हैं, जो गैब्रियल को पहले से जानती हैं, वो उसे उसके नाम से बुलाती हैं। दरअसल ये डिटेक्टिव विलियम की दोस्त होती हैं। गैब्रियल इस बात से हैरान होता है कि वो उसका नाम कैसे जानती है, और अब वो उस तक पहुंच चुका है। इसका मतलब सिक्योरिटी को, जो कि एलियंस के लिए काम करती हैं, उन्हें पता चल चुका है कि गैब्रियल इस वक्त कहाँ है, इसीलिए वो नंबर वन के घर पहुंचकर उसे मार देते हैं। दरअसल ये प्रोस्टिट्यूशन का काम किया करती थी, इसीलिए गवर्नमेंट के बड़े बड़े लोग इसके घर पर आया करते थे और वो उनके कमरों में रिकॉर्डर लगाकर उनकी बातों को रिकॉर्ड कर लिया करती थी। और जब शहर का कमिश्नर यहाँ पर आया था तो उसी ने उस रैली के बारे में किसी से डिस्कस किया था। इस रैली को फिनिक्स ग्रुप ने बॉम्ब से उड़ाकर उसमें बहुत सारे एलियंस को और गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर्स को मार दिया था। और अब क्योंकि वो बहुत बड़ा हादसा था जो कमिश्नर की गलती की वजह से हुआ था, इसीलिए उसे उसकी पोस्ट से निकाल दिया जाता है और रेव के साथ बंदी बनाकर दूसरे प्लेनेट पर, जो कि एलियंस का प्लेनेट है, वहाँ भेज दिया जाता है। यहाँ पर डिटेक्टिव विलियम ने बहुत अच्छा काम किया था, इसीलिए उसे अब कमिश्नर बना दिया गया है। कमिश्नर बनने के बाद वो गैब्रियल के पास जाता है, जो कि बहुत ज्यादा गेट में होता है, क्योंकि गैब्रियल की वजह से नंबर वन मारी गई, उसका भाई अब एलियंस की कैद में है, जो कुछ बहुत बड़ा प्लान करने वाले थे। विलियम गैब्रियल से कहता है कि शायद ये सब का सब प्लान का एक हिस्सा था, और वो उसे एक सिम कार्ड देता है जिसके अंदर मेमोरी में एक वीडियो होता है, जिससे उसे पता चलता है कि नंबर वन, जो कि उसकी वजह से मारी गई, वो कई साल पहले गैब्रियल की मॉम के साथ टीचिंग का जॉब किया
करती थी, यानी कि वो उसकी मॉम को पहले से जानती थी। इसीलिए नंबर वन को गैब्रियल का नाम पता था। साथियों से भी पता चलता है कि उसके आसपास जितने भी लोग हैं वो सब के सब फिनिक्स ग्रुप का हिस्सा है, जिसमें कमिश्नर विलियम भी है। गैब्रियल को ये भी पता चलता है कि अब फिनिक्स ग्रुप को उसी को लीड करना है, यानी कि वो नया लीडर है। इसके बाद हमें कमिश्नर विलियम को दिखाया जाता है जो अब एलियंस के उस जगह पर जा रहा होता है, जो कि बहुत ही खुफिया हिस्सा है, जो जमीन के नीचे है, जहां पर गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर जा सकते हैं। इस जगह को क्लोज जोन कहा जाता है, जो इंसानों के लिए पूरी तरह से बंद है। बस सीनियर ऑफिसर्स यहां पर जा सकते हैं। और अब विलियम भी उस जगह जा रहा है। उसने एलियंस टेक्नोलॉजी वाले बॉम को अपनी बॉडी में पहले से फीड कर दिया होता है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता। दरअसल विलियम ही इस पूरे प्लान का मास्टर माइंड था, ना कि नंबर वन। से पहले रैली में जो अटैक हुआ था वो मेन अटैक नहीं था, वो एलियंस की आंखों में धूल झोंकने के लिए था, ताकि विलियम उनका विश्वास जीत सके और उसे हायर पोस्ट मिल सके और वो क्लोज जोन जाकर ब्लास्ट करे, ताकि सारे एलियन से एक साथ मारे जाएं। और अब वो वही जा रहा है। विलियम अंदर जाने के बाद एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है, जिससे पूरी की पूरी जगह यानी कि क्लोज जोन पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। ये वो जगह होती है जहां से एलियंस हर तरह से ऑपरेट किया करते थे। ये बेस ही उनकी ताकत था। और अब जबकि एलियंस के साथ बेस भी पूरी तरह से खत्म हो चुका है, तो पूरी दुनिया में जीतने भी एलियंस होते हैं, वो सब के सब कमजोर पड़ जाते हैं। इसके बाद पूरी दुनिया में जीतने भी इंसान है, वो एलियंस के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं, यानी कि वो जल्दी एलियंस को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। साथ ही गैब्रियल, जो फिनिक्स ग्रुप का अब नया लीडर है, उसे इस ग्रुप को एलियंस के खिलाफ लड़ाई को हमेशा जारी रखना होगा। और इसी के साथ यह फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। और हमारे चैनल को सपोर्ट करें।